गाइस, वेलकम बैक आवर चैनल। ऐसा है कि मैं कोई ब्लॉग वगैरह नहीं बना रही हूँ, छोटी सी वीडियो है अनबॉक्सिंग की। वेट करो, अभी बता दूँ किस चीज़ की अनबॉक्सिंग है। ऐसा है कि अपने घर में न्यू कूलर मंगाया है, तो मैं सोची कि आप लोगों के साथ भी चीज़ शेयर किया जाए और क्या इसमें फंक्शन है नहीं है, चलो मिलके देखते हैं। सो गाइज, आप देख सकते हो कि कितना अच्छा पैकिंग है ये। ये हमने हिंडवेयर का फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करवाया है ये कूलर हमने। इसका प्राइस अराउंड 9749 का ये हमें कूलर पड़ गया था। सो आप देख सकते हो इसकी पैकिंग अभी हम खोल रहे हैं। ये आप यहाँ साइड से इसके पूरा फंक्शन वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत अच्छे से। वेक्ट्रा 85L डेजर्ट एयर कूलर है ये आप देखो पैकिंग कितना अच्छा है इसमें। ये हमें इसमें व्हील्स मिला है कूलर के नीचे, व्हील्स लगाने के लिए, जिससे हम इधर उधर कूलर को अपना घसका सकते हैं। ये देखो 5 व्हील्स मिला है इसमें। सो अभी अब हम आपको निकाल के दिखाते हैं। ये देखो बहुत लाइट वेट है ये, हमने इसे बड़े आराम से निकाल लिया कार्टून में से। आप ये देखो कितना ब्यूटीफुल है। ये यहाँ पे हमें कंटेनर भी मिला है, आइस कंटेनर। ये देखो अभी आपको, फिर ये फ्रंट से आप देखो, ये हिंडवेयर स्मार्ट एप्लायंस से। ये आपको अभी लगा के दिखाते हैं हम। सो गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें यहाँ पे 3 स्विच मिला हुआ है, आप ये देखो। सो आप जरा आप देखिए, स्विंग्स का है स्विच। ये देखो जरा ध्यान से देखो, ये स्विंग्स का है जो कि लेफ़्ट राइट होता है। इससे क्या होता है कि पूरे कमरे में हवा जाता है। अब देख सकते हो बहुत अच्छी हवा आ रही है इसमें से, लेफ्ट राइट स्विंग्स हो रही है। इसमें अंदर के साइड में ब्लैक कलर का स्विंग्स है। फर्स्ट आप ये देखो, इसमें पानी अगर भर जाता है तो फिर ये पानी यहाँ से दिख जाता है हमें। इसमें हनी पैडेट लगा हुआ है, बैक्टीरियल फ्री। सो आप देखो अंदर में जो ब्लैक कलर का है इसमें स्विंग, वो हम हैंड से ऊपर नीचे कर सकते हैं। एक ऊपर की साइड है, आप ये देख सकते हो अंदर में ब्लैक कलर का ऊपर नीचे हो रहा है, और एक नीचे की साइड भी है, इसे हम हैंड से ऊपर नीचे कर सकते हैं। सो गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये 3 नॉक्स है, हम इसे खोल के अंदर के साइड अपना जो वर्क करना है कर सकते हैं, और ये नीचे के साइड से पानी, और यहाँ पे ये पूरा चार्ट दिया हुआ है कैसे कैसे क्या क्या करना हुआ करना है ये वो। अब ये देखो आइस कंटेनर है ये, इसमें हम आइस भी डाल सकते हैं जिससे कि जो कूलर का पानी है वो एकदम ठंडा हो जाए। इसमें आइस रखने वाला है, और अगर ओवर हो जाता है पानी तो यहाँ से बाहर निकल जाता है इस होल से, ओवर फ्लो। सो अभी हम इसका व्हील्स निकाल रहे हैं।
उसका बेस लगा रहे हैं नीचे में, देखते लगा करके लग गए कि नहीं हमसे, कोशिश तो कर रहे हैं, पापा वैसा नहीं तो लगा देंगे। सो गाइज आप देख सकते हो 85 लीटर का इसका कंटेनर है और ये हैनी पैडेड है, बैक्टीरियल फ्री है ये हैनी पैडेड, जो कि पहले आप घास वाला जो अंदर में पैडेड आता था उसमें स्मेल आ जाता था, इसमें स्मेल नहीं आएगा, इसका ये सबसे अच्छा बेनिफिट है। सो गाइज एक बात मैं बता दूँ तो ये मेरा कोई कंपनी की तरफ से पेड रिव्यू नहीं है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सो गाइज मार्च आ गया और गर्मी बहुत तेज की लगने वाली, समर सीजन स्टार्ट हो गया है। मुझे तो ये कूलर बहुत अच्छा लगा और आपको कैसा लगा जरूर बताना और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके।